अभी हम नॉमिनेशन डाल के आए हैं, तो आज नॉमिनेशन की जो रैली थी, हज़ारों की संख्या में हज़ारों लोग मिलके किसान, नौजवान, बिजनेसमैन, महिला, सभी लोग यहाँ पे आए। मैं सभी लोगों का आशीर्वाद लेके आज नॉमिनेशन डाला हूँ। तो मैं सभी मेरी बिदर की जनता को मुझे आशीर्वाद करने के लिए और मुझे मदद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, आपकी फ़ाइट किससे है आपकी बात? देखिए, मेरी फ़ाइट बीजेपी से रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरह से बीजेपी को कमज़ोर समझ के लास्ट टाइम रमेश पांडे जीते थे। अरे, रमेश पांडे को तो कुछ भी नहीं समझे थे, ये कौन है, उसको खाली उसके समाज के 500 वोट नहीं है बोल के बोले थे, मगर रमेश पांडे जीत गए। ये कि आपको सभी को एक एग्जांपल है सामने, तो कभी भी बीजेपी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और डेफिनेट हमारी बीजेपी के साथ फाइट रहेगी। सर, बिदर के तो MLA आप हैं सर, सूर्यकांत नागमर पोले पूरे काम मच करा बोल के बोल रहे, हॉस्पिटल का बोलो, कौन सा भी बोलो, हॉस्पिटल बोल रहे, एयरपोर्ट बोल रहे, क्या क्या मालूम ट्रेन बोल रहे, सभी उन्होंने बोल रहे। तो वो तो सेंट्रल मिनिस्टर को पूछे, उस दिन मैं फंक्शन में बोला हूँ, उनके सामने पूछा हूँ, तो कुछ भी नहीं है, पंचायत मेंबर भी नहीं है, इतने बड़ी बात करते हैं वो। कुछ पेपर वगैरह डिस्प्ले कर वो सब फेक है, उन्होंने कभी भी पूरा फेक काम करते हैं। ರೇಮಕನವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಮಕನವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೇಮಕನವರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Let's go.